अच्छी बारिश और पेश नहर के आ जाने से सिवनी जिले के किसानों ने बम्पर गेहूं का उत्पादन लिया है, लेकिन जिले के अन्नदाताओं की मेहनत पर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर खरीदी प्रबंधक और परिवहन की अव्यवस्थाओं ने अनाज पर पानी फेर दिया है। बारिश के पानी से लगभग 14,000 टन गेहूं खराब हो गया है, जिसमें लगभग 75 से 80% गेहूँ सड़कर मिट्टी भी बन गया है। लोगों का मानना है कि इतने गेहूं से पूरे जिले को 2 महीने बैठाकर खिलाया जा सकता था। किसानों के खून पसीने की मेहनत से उगाया गया गेहूं शासन की लापरवाही के चलते बारिश की भेंट चढ़ गया। हालत यह है कि सिवनी जिले में लगभग 14,000 मेट्रिक टन गेहूं रिजेक्ट हो चुका है, जिसे प्रशासन द्वारा अपग्रेड करने की बात कही जा रही है, लेकिन इतने बदतर हालात में गेहूं है कि इसे कैसे उपयोग लायक बनाया जाएगा कहा नहीं जा सकता है। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि गेहूं काला पड़ चुका है और सड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसे JCB और लेबरों की मदद से फिकवाया जा रहा है। सड़े हुए गेहूं इस कदर बदबू मार रहा है कि लोग परेशान हैं। सिवनी से मेहबूज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।